सो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक सिंपल क्लिक करके अपने आईफोन में पोर्ट्रेट मोड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे आपके पास आईफोन 6 हो, आईफोन 7 हो या फिर आईफोन 10R हो, आपके पास जस्ट आईफोन होना चाहिए एंड उसके बाद में आप किसी भी पिक के अंदर जो है पोर्ट्रेट मोड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों, बिलीव मी, आपको रिजल्ट इतने अच्छे मिलने वाले हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। दोस्तों, आईफोन 10R के अंदर पोर्ट्रेट मोड आता है लेकिन वो ह्यूमन फेसेस पे वर्क करता है, वो ऑब्जेक्ट्स पे वर्क नहीं करता है। बट दोस्तों, आज जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसके अंदर आप किसी भी फ़ोन के अंदर, वो आईफोन होना चाहिए एंड उसके अंदर आप पिक लेके उसके अंदर पोर्ट्रेट मोड अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों, रिजल्ट जो मिलेंगे दोस्तों वो आपको बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने ये वाले जो रिजल्ट्स हैं वो एक सिंगल कैमरे से अचीव किए हैं। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने आईफोन 11 से या आईफोन 12 से जो है पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटोग्राफ कैप्चर किए हों। तो गाइज, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सो दोस्तों, ये वाला पिक जो मैंने आईफोन 7 से कैप्चर किया है तो एक नॉर्मल पिक है। एंड दोस्तों, उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पिक के अंदर दोस्तों पोर्ट्रेट मोड अप्लाई किया गया है तो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिला है। एंड दोस्तों, आप साइड बाय साइड करके देखिए राइट साइड में जो फोटो है उसके अंदर पोर्ट्रेट मोड अप्लाई किया हुआ है तो आप देख सकते हैं दोस्तों रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार मिले हैं यहाँ पर एंड बहुत ही बेहतरीन पोर्ट्रेट मोड अप्लाई हुआ है। दोस्तों, ये वाला जो फोटो है आईफोन 10R से लिया हुआ है। दोस्तों, ये एक नॉर्मल फोटो है। इसके बाद में हम इसमें पोर्ट्रेट मोड अप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों पोर्ट्रेट मोड अप्लाई करने के बाद रिजल्ट्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। अब हम इनको साइड बाय साइड करके चेक करते हैं तो दोस्तों देखिए आप कि पोर्ट्रेट मोड कितना बेहतरीन लग रहा है राइट साइड के अंदर। आप देखिए पीछे वाला जो ट्री है उसके अंदर जो पोर्ट्रेट मोड अप्लाई हुआ है वो कितना नेचुरल लग रहा है। दोस्तों एक और ही एग्जाम्पल देखिए, ये वाला जो पिक है दोस्तों आईफोन 6 से लिया हुआ पिक है दोस्तों ये। एंड दोस्तों, राइट साइड में फिर पोर्ट्रेट मोड अप्लाई किया गया है तो आपको ऐसा लगेगा रिजल्ट देख के कि जैसे ये आईफोन 11 से लिया हुआ पिक हो। आप देख सकते हैं दोस्तों पोर्ट्रेट मोड कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको एक सिंपल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ऐप स्टोर से और उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस एप्लीकेशन का नाम है FOCOS फोकस। एंड दोस्तों, ये वाली जो एप्लीकेशन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती है एंड ये इतने ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देगी ना कि आपको यकीन नहीं होगा। एंड दोस्तों, इतना आसान है इस एप्लीकेशन को यूज करना कि आपको मज़ा आ जाएगा। आपको सिर्फ फोटो को ओपन करना है, सेलेक्ट करना है एंड दैट्स इट दोस्तों। उसके बाद ये पोर्ट्रेट मोड अपने आप ही उसमें अप्लाई हो जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों, जब मैं आपको एक एग्जांपल इसमें करके दिखाने वाला हूँ अभी फ़ोटो को सेलेक्ट करके, तो आप देखेंगे कि ये कितना आसान है एंड कितना इजी है इससे करना। तो दोस्तों, फटाफट जो है अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। तो दोस्तों, आपने आपको मैंने रिजल्ट दिखाया था इस वाला फ़ोटो का। सो अगेन मैं आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जस्ट दोस्तों आपको एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद अपने आप ही उसमें जो है पोर्ट्रेट मोड अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट किया दोस्तों एंड सेलेक्ट करने के बाद इसमें अपने आप ही जो है पोर्ट्रेट मोड अप्लाई हो गया है। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि रिजल्ट कितने आपको बेहतरीन लग रहे हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पे नीचे एक बार दिया हुआ है जिसको आप कम या ज़्यादा करके पोर्ट्रेट मोड की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बट दोस्तों, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपकी बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी, वो काफ़ी अच्छी है एप्लीकेशन की। आपको जस्ट बस इमेज को सेलेक्ट करके ओपन करना है एंड पोर्ट्रेट मोड अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा। एंड उसके बाद ये जो फोटो है आपकी गैलरी में भी बहुत आसानी से सेव हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऊपर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको ऑप्शन मिलेगा फोटो को सेव करने का। एंड सेव कॉपी पर आप जब क्लिक करेंगे दोस्तों, तो फोटो जो है आपकी फोन की गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। एंड दोस्तों, जो रिजल्ट मिलेंगे मैं आपको दिखा ही चुका हूं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से आप बहुत ही सिंपल वे के अंदर आप किसी भी फोटो के अंदर जो है आप पोर्ट्रेट मोड अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको पोर्ट्रेट मोड अप्लाई करने के लिए सिर्फ आईफोन में सिंगल कैमरा अगर है तो वो मोर देन सफिशियंट है। आपको दो कैमरे वाला फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।